कैसे हैं आप सब। नमस्कार मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं बात करूंगी DIY लटकन कैसे बनाएं, वो भी वेस्ट कपड़े से। तो चलिए शुरू करते हैं। DIY लटकन बनाने के लिए हम वेस्ट कपड़ा ले लेंगे। देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है, मैंने लाल कपड़ा लिया है। आप अपने अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने 4.5 सेंटीमीटर का कपड़ा ले लिया है। आप अपने अनुसार मेज़र करके कपड़ा ले लें और फिर उसको हम कट कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने पहले से इसे कट करके रख लिया था, जिसका मेज़रमेंट 4.5 है सेंटीमीटर है, लेंथ भी और ब्रेथ भी। देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ। हम बाकी के कपड़ों में भी मार्किंग कर लेंगे 4.5 सेंटीमीटर से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। वैसे हम लोग मेज़र कर लेंगे 4.5 सेंटीमीटर और उसके बाद हम उसमें कट लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें मार्क कर लिया है, मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से कट कर लेंगे ताकि हमारा कट बिल्कुल सही हो और एक्सेस कपड़ा ना कटे। हमें यह बिल्कुल ध्यान देना है कि हमारा कट बिल्कुल स्ट्रेट हो। और हम इसी तरीके से बाकी कपड़े को भी काट लेंगे। हम बाकी कपड़ों में भी इसी तरह से मेज़र करके काट लेंगे। जो मैंने पहले काटा है उसको रख के मैंने इसे दूसरे कपड़े पे रख के इसे काट रही हूँ ताकि हमारा मेज़रमेंट गलत ना हो। फिर मैं इसे फिर से काट रही हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए मैं कैसे काट रही हूँ। तो देखिए मैंने काट लिया है और ये लास्ट पीस मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। हमने सारे पीसेस को काट लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सारे मैंने काट लिया है, देखिए सभी कितने इक्वल साइज़ में लग रहे हैं। फिर मैं आपको फैला के दिखाती हूँ, सभी एक जैसे दिख रहे हैं, हमें इसी तरीके से चाहिए। और चलिए अब हम इसके लटकन बनाते हैं। तो लटकन बनाने के लिए मैंने एक लंबा रस्सी ले लिया है जो लटकन बनाने में काम आता है। लटकन बनाने के लिए मैंने जो रस्सी लिया था, लटकन रस्सी जिसे बोलते हैं या डोरी भी जिसे बोलते हैं, मैं उसका 1 मीटर मेज़रमेंट करके ली थी। मैंने उसको डिवाइड करके 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया और मैंने एक लटकन ऑलरेडी बना के रख लिया है। ये मैं दूसरा आपको बना के दिखा रही हूँ। मैंने जो लटकन बनाने के लिए पहले कपड़ा काट लिया था उसको मैं इक्वल पार्ट्स में ऐसे फोल्ड करूँगी, फिर उससे मैं एक ट्रायंगुलर शेप दूँगी। उसके बीच मैंने जो ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है उसके ठीक सेंटर में हम ये रस्सी डालेंगे और फिर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें एक ट्रायंगुलर कोन शेप बन जाता है, जिससे हमारा लटकन देखने में बिल्कुल ही बुटीक की तरह लगता है। बुटीक में जिस तरह से सिलाई करते हैं उसमें बहुत पैसे लग जाते हैं, लेकिन हम जो बनाएंगे वो बहुत सस्ते में बनेंगे। सिलाई लगाने से पहले हम 7 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अब हम सिलाई लगाते हैं। हमें अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि सिलाई अच्छे से लगे, हमारा धागा इधर उधर ना जाए, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएं। जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है, अब हम इसके एक्सेस धागे को कट कर लेंगे। धागा कट करने के बाद हम इसे पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कोन के शेप में बन गया है, बिल्कुल बुटीक की तरह। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरे कपड़े से दूसरे कोन शेप देने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए मैं कैसे बना रही हूँ। इस तरीके से मैं इसे कोन शेप दे दूँगी और फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि सिलाई एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तभी हमारा कोन शेप देखने में अच्छा लगेगा और हमारा लटकन देखने में बहुत ही सुंदर शेप में आएगा। अब मैं आपको पलट करके दिखाऊंगी, देखिए कितने सुंदर और कितने लाजवाब कोन बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल बुटीक की तरह लटकन बन के तैयार हुए हैं। कोई कह नहीं पाएगा कि ये हमने घर में बनाया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं बाकी सारे कपड़ों को इसी तरीके से लटकन बना के दिखाती हूँ।
ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे अपने घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आपको कहीं भी हैवी लड्डू खरीदने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, आप आसानी से घर में बना सकते हैं और ये देखने में बिल्कुल ही स्टाइलिश लगते हैं। मैंने ऐसे लड्डू बहुत सारे बनाए हैं घर में, ये तो मैंने सोचा कि आपको भी एक लड्डू बना के शेयर करूँ। तो देखिए, मैंने ये तीसरा कोन भी ऐड कर लिया, अब मैं बाकी के सारे कोन भी ऐड कर लूँगी। हमें ये ज़रूर याद रखना है कि हमारे जितने भी कोन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उसमें 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि वो एक एग्जैक्ट डिस्टेंस में कोन बाहर निकले। अब मैं और बाकी के सारे कपड़े ऐड कर लूँगी जिससे हमें कोन बनाना है। तो हम इसे अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट लगे। और अब हम इसे पलट कर दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से कोन मिल रहा है। देखिए, हमारा कोन बिल्कुल बुटीक की तरह लग रहा है। कोई ये नहीं कह पाएगा कि आप घर में इसे बनाए हैं। आप सभी लटकन को इसी तरीके से पलट लें। देखिए, हमारा लटकन कितना सुंदर और प्यारा बना है। और लटकन के बीच में जो एक्सेस कपड़े हैं हम उसे काट लेंगे, ताकि ये देखने में अजीब ना लगे। आप ये लटकन ब्लाउज या लहंगा किसी में भी लगा सकते हैं, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। देखिए, हमारा लटकन बनके तैयार है बिल्कुल बुटीक की तरह, और आप इसे अपने लहंगे या ब्लाउज़ में लगाएं।